अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप लोग को रमज़ान करीम बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और हमारा तो कल रोज़ा है इंशाल्लाह कतर में, तो पाकिस्तान का नहीं पता कि कल उधर रोज़ा है कि नहीं है, लेकिन आई थिंक कल उधर भी इंशाल्लाह रोज़ा है। सो आज मेरा वीक ऑफ था आखिरी, सो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाऊं फिर, क्योंकि मेरा जब भी वीक ऑफ होता है मैं बाहर निकलता हूं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं कि आज हम लोग इधर गए, ये किया वो किया। तो आज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो अब आज तो कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही आउटिंग करते हैं। वीडियो तो नहीं बना रहा क्योंकि अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ, तो अभी टिकटॉक विकटॉक नहीं बनाएंगे, तो ऐसे आउटिंग करते हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हाँ गाइस, तो आमिर खान भी आ गया फिलहाल, तो अभी सुबह का 10 बजे हो गया, तो अभी नाश्ता नहीं किया तो इधर आ गया। ये है कराची ढाबा रेस्टोरेंट्स, तो इस इधर आ गए, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं बाहर, देखते हैं किधर चलते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा खाना गया है आलू का पराठा और सिंपल पराठा और चना और निहारी और वह है गुलाब जामुन। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह का अलग अलग शुक्र है, खैर खैर से नाश्ता किया अभी निकल गए। ये है अभी हम मतार कदीम से निकल गए हैं और ये है कॉर्निश रोड, मतलब कॉर्निश रोड नहीं है जिधर से हम जाएंगे अभी, कॉर्निश रोड। हाँ गाइस, तो डी रिंग रोड था ये, अभी हम जा रहे हैं कॉर्निश रोड पे, ये मेन रोड है, ये साथ में देख रहे हो, ये तो आप लोगों को दिखाया था इस्लामिक म्यूजियम है, और वो आज फिर एक बड़ा क्रूज आया है सामने, उसके पास जा रहा हूँ अभी, वो भी दिखाता हूँ आज। आज हम लोग सिर्फ ऐसे बस राउंड मारेंगे, जाके किधर बैठेंगे, कोई टिकटॉक वगैरह वो नहीं बनाएंगे, बस ऐसे वो सामने आप लोग व्यू नज़र आ रहे। ये है कतर का बेस्ट व्यू है, जो कतर के बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और ये मेरा फेवरेट रोड भी है क्योंकि इधर का बहुत खुला रोड है और इधर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस ये हम लोग पहुँच गए हमेशा की तरह दोहा पोर्ट, जो कतर का आजकल सबसे एक ट्रेंड में जगह है, बिजी रहता है दिन में तो नहीं, रात में बहुत बिजी रहता है बहुत ज़्यादा। ये इस तरह जो है सब रेस्टोरेंट से, सब रेस्टोरेंट से शॉपिंग माल माल तो नहीं बोल सकते, और हाँ, और इस तरफ जो है इस तरफ सी व्यू है और बिल्डिंग वगैरह नज़र आते हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी आगे जा रहा हूँ, क्रूज दिखा रहा हूँ करीब से आप लोगों को, बहुत बड़ा शिफ्ट आया। फिर ऐसे हम लोग गए लेकिन उधर से बंद है, मेरे ख्याल से इससे लोग निकल रहे हैं, क्रूज से लोग निकल रहे हैं, तो वो उधर नहीं छोड़ रहा है, मतलब रास्ता बंद किया है। लेकिन यार इसको देख के मैं हैरान हो जाता हूँ यार, इतना बड़ा कैसे बनाते हैं यार ये लोग, कसम से। सो गाइस मैं इसके बहुत करीब आया, उधर से मैं जा रहा था लेकिन उधर से वो रास्ता बंद किए क्योंकि क्रूज से लोग निकल रहे, तो आप लोग ये देख सकते हो। ये तो वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है, इसको देख के तो मैं बहुत हैरान होता हूँ यार कि इसको बनाया हुआ कैसा होगा यार। अल्लाह की कुदरत है, इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा क्रूज है, वो पानी के अंदर खड़ा है, नीचे भी नहीं जा रहा। गाइस इसको बोलते हैं बॉक्स पार्क, ये जो आपको रंग बिरंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम रखा है बॉक्स पार्क। तो हम लोग इधर आए यार थोड़ा जूस पीने के लिए, ये टी टाइम के पास एक जूस मिलता है लेमन मिंट, वो थोड़ा मैदे को ठंडक दे जाता है, इसको बोलते हैं बॉक्स पार्क। हमारा लेमन मिंट और ये सामने का व्यू देखो गाइस, क्या कर रहे भाई। गाइस हम लोग उधर जूस वगैरह पी के अभी इधर आ गए हैं मियाँ पार्क, अपने साथ गाड़ी से कुर्सी ले लिया क्योंकि इधर बैठना है, इधर ये दस्त वगैरह है तो इसके नीचे आराम से कुछ थोड़ा बैठेंगे इधर, और फिर उसके बाद घर जाएंगे, ये कल मॉर्निंग ड्यूटी है और कल इंशाल्लाह रोज़ा भी है।
ये देखो गाइस, इधर आके बंदे को पाकिस्तान वाले फीलिंग आता है। दरख्त है और ये चिड़ियों की आवाज़ें हैं। बस इधर सुकून से बैठेंगे, थोड़ा आधा घंटा बैठेंगे और फिर जाएंगे। कल रात इधर बहुत बड़ा फेस्टिवल था, हम लोग तो नहीं आए लेकिन इधर फेस्टिवल था। सो ओके गाइस, हम लोग इधर से निकल रहे हैं। बस टाइम हो गया, नमाज का टाइम भी, अभी घर जाना है रूम पे। सो ये आज का व्लॉग था और बस आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और आखिरी में फिर भी आप लोगों को रमज़ान करीम बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बस दुआ में हमेशा याद रखो, हम लोग भी दुआ में याद रखेंगे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।